कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना पर घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में देश की महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं की तरफ ध्यान खींचा और कहा, इन अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय कानून लाने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय कानून बनने से ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की है। लेटर में ममता बनर्जी ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान पूरे देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इनमें कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ये देखना भयावह है कि पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इस पर रोक लगाएं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा दी जा सके। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान करते हुए कठोर केंद्रीय कानून बनाया जाए। प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना पर भी विचार किया जाना चाहिए। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सुनवाई ज्यादातर 15 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र ऐसे वक्त पर लिखा है जब आर्जिकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर की घटना पर वो घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी प्रोटेस्ट के बाद इस पर संज्ञान लिया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। राज्य में गृह और स्वास्थ्य विभाग दोनों ममता बनर्जी के पास है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस को दी गई डेडलाइन खत्म होने से पहले ही लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस घटना पर घिरी ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को कोलकाता में मार्च भी किया था। इसमें उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि इसके बाद वो काफी ट्रोल की गई। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक उन्हें इस बात पर ट्रोल किया गया कि आखिरकार वो किससे मांग कर रही है, जबकि राज्य की सर्वे सर्वा तो वो स्वयं ही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के नाते वो किससे न्याय की मांग कर रही हैं? NBT ऑनलाइन रिपोर्ट।